सब लेडीज लड़की सब हम लोग गाँव के लोग पूजा करते हैं और भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। यही है भाई दूज। समृद्धि के भाइयों को का दुश्मन को कूटा जा रहा है और मेरे भाई सभी दुश्मनों को कूटा है। समृद्धि के भाइयों को भाई दूज का पर्व है और हम लोग यहाँ पे गोधन कूट रहे हैं। मैंने भाई के लंबी आयु के लिए मैंने ये व्रत रखा है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्योहार को भाई टीका, यम द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। मान्यता यह है कि इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने के लिए आए थे। तो आइए जानते हैं कि इस अवसर पर बहनें क्या क्या करती हैं अपने भाई के लिए। भाई दूज के पूजा के लिए एक थाली तैयार की जाती है जिसमें रोली, फल, फूल, सुपारी, चंदन और मिठाई रखी जाती है। फिर चावल के मिश्रण से एक चौक तैयार किया जाता है। चावल से बने इस चौक पर भाई को बैठाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने के बाद भाई को गोला, पान, बतासे, फूल, काले चने और सुपारी दी जाती है। फिर भाई की आरती उतारी जाती है और भाई अपने बहनों को गिफ्ट भी भेंट करते हैं। और ये है भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के अनेकों बार बुलाने के बाद उनके घर गए थे। यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आया करें और इस दिन जो बहन अपने भाई का तिलक करेंगे उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना को आशीष प्रदान किया और कहते हैं कि इसी दिन से भाई दूज का पर्व की शुरुआत हुई। गाइए गाइए भाई दूज का पर्व है और हम लोग यहाँ पे गोधन कूट रहे हैं और यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी अपने भाई के लिए और जितनी भी लड़कियां हैं वो सब अपने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करेंगी और गोधन भी कूटेंगी और भाई के लंबी आयु के लिए कामना करेंगी। क्या नाम हुआ आपका? कृति कुमारी। भाई दूज है, भाई की लंबी उम्र के लिए आज हम लोग सब लेडीज लड़की सब हम लोग गाँव के लोग पूजा करते हैं और भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। यही है भाई दूज। यहाँ क्या क्या और क्या विशेष खासियत है जो कार्यक्रम में कुछ है? भाई के लिए पूजा होता है, भाई के लिए दुआ किया जाता है उसकी लंबी उम्र के लिए। क्या नाम हुआ? अनु कुमारी।
आज गोधन है, हम लोग सब परिवार मिल करके ये गोधन को मैंने पूजा के तरह मना रहे हैं। और भैया दूज है, मैंने भाई के लंबी आयु के लिए मैंने ये व्रत रखा है। सब महिलाएँ मिलकर, सब बहन बेटी लोग मिलकर के ये व्रत को निभाते हैं और यही कामना करते कि भाई लोग अपना जहाँ भी जैसे भी हो सब सुखी संपन्न रहे, खुशहाली रहे, दीर्घायु आयु हो, लंबी हो। क्या नाम हो आपका? नाम मंजू शंकर। तो ये थी भाई दूज से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने सभी दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस रोचक कथा को जान सकें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक अगली और वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।